अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रीन खान और आज मैं आपको बताऊंगी इंडक्शन पे दूध बॉईल करना। इंडक्शन पे तीन तरीके से ही दूध बॉईल किया जाता है। मेरा जो इंडक्शन है वो एनालसर ब्रांड का है। आपका कोई भी ब्रांड का इंडक्शन हो सकता है, मगर मैक्सिमम सब में फंक्शन सेम ही होते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो मिल्क लिया है। मेरा जो कैमरा है वो हम फंक्शन की तरफ सेट कर लेते हैं, क्योंकि मेन हमें फंक्शन ही देखना है। यहाँ पे कैमरे को मैंने हमारे इंडक्शन के फंक्शन पे सेट कर लिया है। यहाँ पे सारे फंक्शन आपको दिख रहे होंगे, मैक्सिमम सभी में सेम ही रहते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल्क बॉईल करना है, तो यहाँ पे ये रहा मिल्क का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं इंडक्शन को ऑन कर लेती हूँ और हम मिल्क पे सेट कर लेते हैं इसको। देखिए मिल्क पे आ गया है। आपके आपके इंडक्शन में डायरेक्ट टच का भी हो सकता है, तो आप टच करके भी डायरेक्ट इसको मिल्क पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो मिल्क पे सेट किया है वो 80 डिग्री पर है। ना इससे ये कम होगा और ना ही ये ज़्यादा होगा। और आपके इंडक्शन पे मिल्क का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा भी हो सकता है, 100, 120, 180 पर भी हो सकता है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप कहीं चैटिंग कर रहे हैं मोबाइल पर, या बातें कर रहे हैं, आप किसी काम में बिज़ी हैं, तो आपका जो मिल्क है वो बॉयल होता रहेगा, लेकिन आपके बर्तन से गिरेगा नहीं। और मैं आपको दूसरा तरीका बता दी, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी है। फंक्शन जो है हमें मिल्क पर ही सेट रखना है, और हर जो इंडक्शन है इसमें टाइमर भी आता है, तो यहाँ पे हम टाइमर लगा देंगे। आपको बस इतना देखना है कि आपके घर में कितनी क्वांटिटी में दूध आता है। बस एक बार आप ये देख लें कि कितनी देर में आपका जो दूध है वो बॉयल हो रहा है, उस हिसाब से आप टाइम को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है, तो मेरे हिसाब से 80 डिग्री पर दूध 14 से 15 मिनट में बॉयल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 14 मिनट पर इसे सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 14 मिनट पे इसे सेट कर दिया है। एक तरीका ये है, बट बहुत ही आसानी से आप ऐसे दूध बॉईल कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो दूध है वो इजीली बॉईल होता रहेगा। आप किसी भी काम में बिज़ी हो और आपका जो टाइमर आपने सेट किया है वो बंद हो जाएगा, 14 मिनट के अंदर आपका दूध बॉयल भी हो जाएगा और अपने आप ही जो आपका इंडक्शन है वो बंद भी हो जाएगा। और जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको कोई काम नहीं करना है, आपको खड़े होकर ही वहीं पर दूध बॉयल करना है। तो सबसे बढ़िया एक तरीका है कि यहाँ पर हम फ्लेम को पहले ऑफ कर देते हैं। अब मैं दोबारा ऑन करती हूँ इंडक्शन को, और यहाँ पर हम वाटर पर सेट कर देंगे, और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पे मेरा जो है वो 2100 पे है, तो अब हम इसको इसी पे सेट रहने देंगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि दूध बहुत ही जल्दी आपका बॉईल हो जाएगा। देखिए दूध जो है मैंने 2100 डिग्री पर ही बॉईल किया है, और कितनी जल्दी जो है हमारा दूध आना भी स्टार्ट हो गया है, यानी कि बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। देखिए दूध जो है हमारा बॉईल हो गया। मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। देखिए इस 2100 डिग्री पर कितनी जल्दी दूध जो है बॉईल हो गया है। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे तीनों तरीके हैं। और इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं इस बारे में, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।